आपसे बात करेंगे कैलोरीमेट्री में। कैलोरीमेट्री होता है मेजरमेंट ऑफ हीट की स्टडी। कैलोरीमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट की जितनी भी मेजरमेंट करते हैं, उसकी जो पढ़ाई करते हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं। तो कैलोरीमेट्री में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम और एग्जाम्पल समझेंगे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं छोटा सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटा सी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हमारे पास वाटर है और 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो हमें हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट? 4.2 जूल्स। जब 4.2 जूल हीट हम 1 ग्राम पानी को देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना पड़ेगा? 1 डिग्री। तो हमने बोला 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए, और इसी चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, हमने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 1 ग्राम कॉपर है और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री बढ़ाना है, हीट करके 1 डिग्री बढ़ाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 0.4 जूल्स। 0.4 जूल देने पे 1 ग्राम कॉपर की टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल्स, कितने के लिए? 1 ग्राम के लिए। टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे? 1 डिग्री। कॉपर का 0.4 जूल्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम ये समझते हैं कि किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, हाई है, जैसे वाटर की, और किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है, जैसे कॉपर की। कॉपर की अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी लो। देर इज वेरी स्मॉल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर के लिए वही हीट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है ना? वाटर के लिए वैल्यू 4.2, कॉपर के लिए 0.4, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो वाटर है, इट डू नॉट हीट और कूल रैपिडली। रैपिडली मतलब फास्ट फास्ट। वाटर कैन नॉट कूल वेरी फास्ट, वाटर कैन नॉट गेट हीट वेरी फास्ट। वाटर ना ही जल्दी ठंडा होगा, ना ही जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत ढेर सारी हीट चाहिए। कितनी चाहिए? 4.2 जूल्स। इतनी हीट देंगे तब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ेगा। मतलब वाटर जल्दी जल्दी हीट नहीं होता। दूसरी तरह से देखें, अगर हमें वाटर को ठंडा करना है, ठंडा करने का मतलब हीट निकालना है, तो अगर वाटर का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री कम करना है, सिर्फ 1 डिग्री, 1 ग्राम वाटर का, तो कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? 4.2 जूल्स। बहुत ज्यादा हीट की जरूरत है वाटर के टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए। तो इसलिए वाटर ना ही जल्दी गर्म होगा, ना ही जल्दी ठंडा होगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड कॉपर है हमारे पास, कॉपर के लिए हीट बहुत कम है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो सिर्फ कितनी हीट चाहिए? 0.4 जूल्स। बहुत थोड़ी सी हीट से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी गर्म होगा, तो हीट एंड कूल्स रैपिडली। जल्दी जल्दी गर्म होगा और जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, थोड़ी सी हीट से गर्म हो जाएगा और थोड़ी सी हीट निकाल लो तो ठंडा हो जाएगा, कहीं से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे हमसे पूछा इन दोनों में से बेटर कंडक्टर कौन है, कंडक्टर, कंडक्टर वो होता है जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करे, पास कर दे,
ये देखो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ 0.4 जूल्स। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है वो बहुत जल्दी ठंडा और गर्म होगा और बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है वो जल्दी ना ठंडा होगा ना गर्म होगा और हीट का एब्जॉर्बर होगा। जैसे हम पूछें कौन ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर या कॉपर, तो आप बोलेंगे वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत ढेर सारी हीट चाहिए, 4.2, तो वाटर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जबकि कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सिर्फ 0.4, तो ये इतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, जिसकी हाई होता है या वो हीट एब्जॉर्बर, जिसकी लो होती है वो कंडक्टर। एक चीज ये याद रखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब सब्सटेंस ना ही जल्दी गर्म होगा ना ही जल्दी ठंडा होगा, और कम है तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले पे आते हैं। तो हमसे बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, क्यू सिंबल होता है हीट का, क्यू इज द सिंबल फॉर हीट। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मतलब मास बाई 1 डिग्री द टेम्परेचर। तो सी इज इक्वल टू क्यू बराबर एम डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई यूनिट डिग्री, यूनिट मतलब 1 1, तो क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इस बात को ऐसे समझो तो ज्यादा ईजी है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर इजी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्यू होता है हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, है ना, हीट या तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी या रिलीज, एम है मास ऑफ बॉडी, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, चाहे कम से ज्यादा हो ज्यादा से कम हो तो नेगेटिव नहीं रखना है, डेल्टा टी में पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज बाई बॉडी इज गिवन बाई एम सी डेल्टा टी, यानी बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करेगी या रिलीज करेगी वो मास पे डिपेंड करेगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी और डेल्टा टी। जैसे क्वेश्चन आता है आईसीएससी में, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स, द हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज दिस स्पेसिफिक कैपेसिटी, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, है कि नहीं, कोई सब्सटेंस हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कोई कम करता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, और जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। भाई किसी बॉडी का टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब कर चुका होगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ा, किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसको उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी, और एक चीज उसकी प्रॉपर्टी है मटीरियल की जिसको हमने बोला सी, कोई ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है कोई कम, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी, कॉपर कम करता है वाटर ज्यादा, तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे इससे क्वेश्चंस बनेंगे सारे। अच्छा अब जैसे हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट वाटर 2 ग्राम फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, हमको C फॉर वाटर दे रखा था 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमसे हीट पूछा है अमाउंट ऑफ हीट, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम दिया है 2 ग्राम, C 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी, 10 से 40 डेल्टा टी हो गया 30, तो यहाँ से ग्राम कैंसिल, सी से यहाँ सेल्सियस कैंसिल, सो 2 × 30 × 4.2, सो दिस विल बी व्हाट, 2 × 6 = 12, 6 × 4 = 24, and 1 = 252. ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वाटर इज कूल्ड, कितना वाटर 2 ग्राम फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की बता दी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे पूछा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है कोई बॉडी ठंडी कैसे होती है, हम किसी बॉडी को ठंडी कैसे कर सकते हैं उसमें से हीट निकाल के,
है ना, जिससे रेफ्रिजरेटर क्या करता है, फ्रिज घर में क्या करता है, चीजों से हीट निकाल लेता है ना, किसी को ठंडा करने का तरीका उसमें से हीट निकाल लो। तो कितनी हीट निकाली, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम कितना हो गया 2 ग्राम, सी कितना 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी कितना 70 से 10 कितना हो गया 60 सेल्सियस, सेल्सियस कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 0.60 कैंसिल, 2 6 12 12 2 24 2 12 4 48 इनटू 504 जूल, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इस तरह से होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने का टाइम वाले क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी पे सीधा सीधा अप्लाई कर दिया। और बता दें, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमसे पूछा फाइंड द, देखिए कैलोरीमेट्री चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल के बारे में ही है ना, तो जितना न्यूमेरिकल करेंगे उतना अच्छा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट आइस, ले लेते हैं 10 ग्राम, फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इज गिवन टू अस 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ हाँ एकदम सही बात है, वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है, आइस की अलग है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टेट पर भी डिपेंड करती है, अलग अलग स्टेट पर मैटर अलग अलग हीट एब्जॉर्ब करता है। एनीवेज क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लगा देंगे, मास कितना है 10 ग्राम, सी कितना है 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी 20 से 0, यही मैं कह रहा था, माइनस प्लस नहीं देखना है, डिफरेंस देखना है, डेल्टा टी में सिर्फ डिफरेंस 20 से 0, तो यहाँ पर 20 रख दिया सेल्सियस, कैंसिल ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 0.0 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 42 एंड दैट्स 420 जूल। इतनी हीट देनी होगी आइस को गर्म करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, जैसे था क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगा के। अब एक अच्छे तरह के सवाल आते हैं हीटर वाले, ठीक है, हीटर वाले कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया अ हीटर गिव्स हीट एट रेट ऑफ 100 वॉट, इट इज यूज्ड टू हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें बता दिए 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हीटर वाला सवाल है, तो हमें पता करना है कि क्या पता करना है इसमें, फाइंड द टाइम टेकन टू डू सो, कितने टाइम में ये काम होगा। ये क्वेश्चन है, एक हीटर है जो हीट कितने रेट पे दे रहा है 100 वाट पे, और उससे हम हीट कर रहे हैं 50 ग्राम वाटर, कहां से कहां 20 से 30। हमसे पूछा कितनी देर में पानी गर्म हो जाएगा, है ना, हीटर पानी चलाते हैं थोड़ी देर बाद गर्म होता है, तो टाइम पूछ रहा है, कैसे निकाले कैसे निकाले। अब देखिए जो हीट गिवन बाय हीटर होगा वही हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर होगा, बाय हीटर से जो हीट निकली वही वाटर एब्जॉर्ब करेगा। इसको आगे हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलेंगे, अभी आने वाला है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जितनी हीट निकली उतनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कोई हीट का लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो हीट गिवन बाय हीटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। अब हीटर कितनी हीट देगा इसको थोड़ा समझते हैं, ये दो तरह समझा सकते हैं। 100 वाट, 100 वाट का मतलब होता है 100 जूल्स पर सेकेंड। ये हीटर एक सेकेंड में कितनी हीट दे रहा है 100 जूल, वाट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड, वर्क बाय एनर्जी पढ़ा था ना, तो एक सेकेंड में ये देता है 100 जूल, दो सेकेंड में कितना देगा 100 इंटू 2 जूल्स, अच्छा 5 सेकेंड में कितना देगा 100 इंटू 5 जूल्स, अच्छा 30 सेकेंड में कितना देगा 100 इंटू 30 जूल्स। तो हम मान लेते हैं कि टाइम लगा टी, है ना, लेट टाइम टेकन बी टी, टी टाइम में हीटर से कितनी एनर्जी निकलेगी, एक सेकेंड में 100, दो सेकेंड में 100 इंटू 2, तो टी सेकेंड में 100 इंटू टी, और टी सेकेंड में वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया 20 से 30, तो यहां पे क्या लिख लेंगे एम सी डेल्टा टी। तो 100 इंटू टी, एम दे रखा है 50 ग्राम, सी दे रखा है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी भी दे रखा है 20 और 30 कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेल्सियस कैंसिल, ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो टी आ गया हमारे पास 4.2 इंटू 5 आ गया, और ये जूल से जूल कैंसिल 4.2 इंटू 5, सो 5 टू 10, 5 फोर 21 सेकेंड्स, 21 सेकेंड्स में पानी गर्म हो जाएगा। तो हीटर वाले सवाल में ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पे रेट दिया हो ना, इस रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करिए, वो हीटर की एनर्जी निकलती है।
इसमें थोड़ा और अंदर आपको बताने की जरूरत है, ये जो टर्म होता है बच्चों, ये टर्म पार होता है ना। वाट क्या निकालते हैं? पार। वाट मतलब क्या होता है? पार। इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देख, हीट गिवन बाय हीटर, हीट मतलब क्या? एनर्जी। अब हीटर जितना वर्क करेगा उतनी एनर्जी देगा, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीटर। कितनी हीट एनर्जी दी? जितनी एनर्जी दी, एनर्जी इज वर्क डन बाय हीटर। वर्क डन कैसे निकालें? हमारे पास फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पार इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहां से वर्क इज इक्वल टू पार इंटू टाइम, शॉर्ट में खत्म। वर्क इज इक्वल टू पार इंटू टाइम, और जितना वर्क उतनी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी पार इंटू टाइम इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। पार दे रखी है कितनी? 100 वॉट मल्टीप्लाइड बाई टी, और इधर एम सी डेल्टा टी। तो ये हीटर वाले क्वेश्चन में स्पेशली ऐसा कर सकते हैं आप कि हीटर जो एनर्जी दे रहा है उसको पावर इंटू टी लिख लें। 100 वॉट का मतलब क्या हुआ? इसकी पार कितनी है? 100 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ? पावर इज वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क इज इक्वल टू पार इंटू टाइम, एंड वॉट इज वर्क? दैट इज एनर्जी। तो कितनी एनर्जी दे रहा है? टी इंटू टी, पार इंटू टाइम, 100 इंटू टी। ऐसे कर सकते थे या ऐसे समझ में आता है, ऐसे कर लें, दोनों ही तरह से सही है, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है रेफ्रिजरेटर वाला, जैसे हीटर है वैसे ही रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर चीजों को ठंडा करेगा, हीटर गर्म करेगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया रेफ्रिजरेटर का, है ना, क्वेश्चन। और रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स 100 जूल्स या एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी एट रेट ऑफ 100 वॉट। रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी एट रेट ऑफ 100 वॉट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल अ लेमन स्क्वैश, नींबू पानी है, अ लेमन स्क्वैश फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेमन स्क्वैश दी है, वो दे रखी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, वही पानी वाली है, ठीक है, लेमन स्क्वैश नींबू पानी। अब यहां पे क्या हो रहा है? हीट एब्सॉर्ब बाई रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाई वॉटर, है ना, वॉटर लिख के लेमन स्क्वैश। तो लेमन स्क्वैश जो एनर्जी लूज कर रहा है वो रेफ्रिजरेटर एब्सॉर्ब कर रहा है। तो फिर से मान लेंगे हमको टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम, तो लेट द टाइम बी टी, लेट द टाइम बी टी। अब 100 वॉट का मतलब 100 जूल पर सेकंड, तो एक सेकंड में कितना निकालेगा? 100 जूल। उसी तरह से टी सेकंड में कितना निकालेगा? 100 इंटू टी जूल, होगा कि नहीं? एक सेकंड में 100 जूल, तो बोलो 2 सेकंड में 100 इंटू 2 जूल, 10 सेकंड में 100 इंटू 10 जूल, और टी सेकंड में 100 इंटू टी जूल, कितनी एनर्जी निकाल रहा होगा। तो हमने टी टाइम मान लिया, और ये कितनी एनर्जी निकाला? 100 इंटू टी। ऐसे देख सकते हैं इसका पावर इंटू टाइम, एनर्जी एब्सॉर्ब पार इंटू टाइम, ये पार इंटू टाइम वाला भी काम चल जाएगा, पार दे रखी है, इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सो 100 इंटू टी मास दे रखा है, आपको दे रखा है, टेक कूलर लेमन स्क्वैश नहीं दिया, तो मान लेते हैं लेमन स्क्वैश का मास है 100 ग्राम। सो मास रख दिया 100 ग्राम इंटू सी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी टी से 5 मतलब 25, यहाँ से टी निकाल लेंगे, टी किस में आएगा हमारा आंसर? आंसर हमारा सेकेंड्स में आएगा। बोले क्लियर हो गए? तो ये भी रेफ्रिजरेटर और हीटर वाले सवाल है। इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब, जैसे हीटर एनर्जी रिलीज करेगा तो पावर इंटू टाइम, और रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब करेगा तो पावर इंटू टाइम। यहाँ जो भी रेट लिखा हो उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम हीटर और रेफ्रिजरेटर वाले सवाल कर सकते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्रिक, इसका एक नाम और मेथड ऑफ मिक्सचर। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या मेथड ऑफ मिक्सचर, दोनों का कंसेप्ट सेम है, ठीक है। मेथड ऑफ मिक्सचर भी इसी भी प्रिंसिपल पे काम करता है। कुछ नहीं, ये प्रिंसिपल सिंपल बोलता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। सिंपल फिनोमेना है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय
cold body, principle of calorimetry. Provided there is no loss of heat. तो जितनी हीट हॉट बॉडी से निकलेगी कोल्ड बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अच्छा कब तक हीट ट्रांसफर होती है? जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे होती है ना, हीट वहां से ट्रांसफर होती है कहां को? जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होती है। सबने ये पढ़ रखा है, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। पर कब तक? तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, ये हीट लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, एक टाइम दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, इसके बाद हीट ट्रांसफर बंद। So, तब तक हीट ट्रांसफर होता है, प्रोवाइड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। हमसे पूछता है ये दोनों ही मेथड ऑफ मिक्सचर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? अब याद आ गया, किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या मेथड ऑफ मिक्सचर, और इसके बेसिस पे हमको बहुत से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। अब मिक्सचर वाले सवाल जिसमें दो दो सब्सटेंस आ गए, जैसे क्वेश्चन आ गया 10 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 50 ग्राम कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिकली वाटर की दे रखी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक हीट कॉपर की दे रखी है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह के सवाल है मेरे पास मेथड ऑफ मिक्सचर। इनको सॉल्व करने के लिए इधर साइड में आएंगे, एक कॉलम बनाएंगे हॉट बॉडी का, एक कॉलम बनाएंगे कोल्ड बॉडी का, ऐसे ही सॉल्व होंगे सवाल, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। इसी तरह के सवाल है सारे, सब इस तरह सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी कौन है हमारा? वाटर। कोल्ड बॉडी कौन है हमारा? कॉपर। लिख लिया वाटर एंड कॉपर। यहाँ वाटर का मास कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। टेम्परेचर कितना दिया है? 80 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट वाटर कितनी है? 4.2। यहाँ कोल्ड बॉडी का मास कितना दिया है, यानी कॉपर का मास 50 ग्राम। टेम्परेचर कितना दिया है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया ना कॉपर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉपर की 0.4। अब हमसे पूछा फाइनल टेम्परेचर क्या है, बताएं। इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे हीट ट्रांसफर होगी। तो मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर थीटा है, इसका टेम्परेचर बढ़ के थीटा हुआ, इसका टेम्परेचर सॉरी घट के थीटा हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ के थीटा। अब आप लगा दीजिए बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय वाटर is equal to heat gained by copper. यही है principle of calorimetry. Heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. तो water के लिए heat lost mc delta t, और इसके लिए भी mc delta t. Water का mass रख देंगे 10 ग्राम, c 4.2, delta t. Water का temperature 80, और final temperature कितना माना? Theta. Theta के बाद heat transfer बंद. इसको बोलते हैं equilibrium temperature. Equilibrium temperature. ये temperature आने के बाद heat का transfer बंद हो जाएगा. फाइनल टेम्परेचर, इस पे कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसको जितनी हीट ट्रांसफर करनी थी कर चुका। तो 80 से कहां पे गया? थीटा, तो 80 माइनस थीटा। इधर मास ऑफ कॉपर 50, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.4, डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर 10 से बढ़कर थीटा हुआ ना, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये बड़ा ये छोटा है, तो अपन कैसे लिखेंगे? थीटा माइनस 10, ये ध्यान देना है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या लिखा? थीटा माइनस 10, इसका घट रहा है, हॉट बॉडी का घटेगा, कोल्ड बॉडी का बढ़ेगा, थीटा माइनस 10। यहां से आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। क्लियर एकदम बढ़िया, सो सॉल्व कर लेंगे यार, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन और, जैसे हमसे बोला अदर क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with 100 gram of cold water at 5 degree centigrade. If final temperature
of mixture is 10 degree centigrade, find specific heat capacity of solid. ठीक है, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. कुछ नहीं करना है, इधर आना है, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी, वहां से डेटा निकालिए. हॉट बॉडी कौन है? 20 की सॉलिड है, 20 डिग्री पे है, तो हॉट बॉडी इज सॉलिड एंड कोल्ड बॉडी इज वाटर. मास कितना है हॉट बॉडी का? 20 ग्राम. टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं पता, ये तो निकालना है इसका. कोल्ड बॉडी वाटर, मास कितना दिया है? 100 ग्राम. टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री. स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको दे रखी है सवाल में 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, दे रखा है, तो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. फाइनल टेम्परेचर बता दिया, फाइनल टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर, 20 से घटके 10, इसका 5 से बढ़कर 10. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर. हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी. यहां पे लिख लेंगे mc डेल्टा t, यहां पे भी लिख लेंगे mc डेल्टा t. सॉलिड का मास दिया है 20, c दिया है नहीं पता, निकालना है. डेल्टा t कितना है? हां डेल्टा t 20 से कहां पे आए? 10, तो कितना हो जाएगा? 20 - 10 10 हो जाएगा. इधर मास कितना है? 100. c कितना है? 4.2. डेल्टा t 5 से कहां पे आए? 10, तो 10 - 5 इसका डेल्टा टी. इस इक्वेशन में सब कुछ पता है, सी की वैल्यू नहीं पता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा के ये इस तरह के हल्के हल्के इजी इजी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं. दीज आर इजी क्वेश्चंस, कर पाएंगे नहीं? यहाँ सी, ये सी नहीं पता, सी को निकाल लेंगे. हमेशा ऐसी चार्ट बनाना है, एक तरफ हॉट बॉडी एक तरफ कोल्ड बॉडी, और इसको सॉल्व कर लेंगे. अब हम आपको एक कॉम्प्लेक्स सवाल देते हैं. हमने क्या किया, इना कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, फुल स्टॉप. नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड to vessel. Find the final temperature of mixture if vessel weighs 50 ग्राम. पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन. अब कॉपर की एक वेसल दिया आप लीजिए, उसके अंदर पहले से कोल्ड वाटर था, नहीं हॉट वाटर था, टेम्परेचर कितना है? 80. उसमें 100 ग्राम कोल्ड वाटर डाल दिया 10 डिग्री पे, डालेंगे वाटर मिक्स होगा, टेम्परेचर कुछ चेंज होगा, है ना. तो फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा है और बताया है वेसल का वेट कितना है? 50 ग्राम. साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वेसल कॉपर की बनी है तो कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बता दी हमें 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का बहुत यूज है तो वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बता दी हमें 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं. इधर आ गए, हमने एक तरफ ली हॉट बॉडी और एक तरफ ली कोल्ड बॉडी. तो हॉट बॉडी कौन है हमारा? वाटर, हॉट वाटर. और कोल्ड बॉडी कौन है हमारा? कोल्ड वाटर. अब इस क्वेश्चन में वेसल भी अपना गेम करेगा, है ना, वेसल भी आ गए. तो वेसल किस बॉडी के साथ जाएगा, हॉट की कोल्ड? अच्छा, इन अ कॉपर वेसल 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, ये पोर किया. कॉपर की वेसल में जो भी चीज डालोगे उस चीज का जो टेम्परेचर होगा वेसल का, वही टेम्परेचर तुरंत हो जाएगा. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ वेसल इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट दैट वी पोर इनसाइड इट. यानी इस टाइम कॉपर की वेसल का टेम्परेचर भी कितना होगा? 80, और इस वाटर का भी कितना होगा? 80. मतलब ये दोनों ही हॉट बॉडी बन गए. कॉपर की वेसल का टेम्परेचर भी 80 और इस वाटर का टेम्परेचर भी 80. तो हॉट वाटर भी हॉट बॉडी है और कॉपर वेसल भी, इस बार दो हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी से कोल्ड वाटर. ठीक है, दोनों बॉडी को लिखते हैं एक करके, है ना, पहले हॉट वाटर के बारे में लिखते हैं फिर कॉपर के वेसल के बारे में लिखेंगे. तो इसका मास हमको दे रखा है 20 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 और टेम्परेचर 80. कॉपर वेसल का मास दे रखा है 50 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.4
और टेम्परेचर 80, ये ध्यान रखना है। वेसल का वही टेम्परेचर होगा जो उसके अंदर चीज डाली उसका भी टेम्परेचर, एग्जैक्ट वही टेम्परेचर तुरंत। इधर कोल्ड बॉडी में, कोल्ड बॉडी में हमारे पास मास है 100 ग्राम कोल्ड वाटर का, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की 4.2, टेम्परेचर इसका कितना दे रखा है 10। हमसे पूछा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर थीटा होगा। इन दोनों का टेम्परेचर गिरेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस बार इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इक्वेशन क्या लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय कॉपर प्लस हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। बस ये अगर आप बनाना सीख जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। हीट लॉस बाय कॉपर, कॉपर की हीट लॉस कितनी होगी MC डेल्टा टी, हीट लॉस बाय हॉट वाटर MC डेल्टा टी, हीट गेन बाय कोल्ड वाटर MC डेल्टा टी। यहां से मास कॉपर का रख देंगे 50, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.4 डेल्टा टी। अब इसका टेम्परेचर 80 से गिरता हुआ कितना हो जाएगा थीटा, तो अपन लिख देंगे 80 माइनस थीटा प्लस मास ऑफ वाटर 20 सी 4.2। इसका टेम्परेचर 80 से गिरता हुआ कितना होगा थीटा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा तो 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू मास इधर कितना रखेंगे 100, सी कितना हो गया 4.2, डेल्टा टी इसका टेम्परेचर 10 से बढ़ता हुआ थीटा तो थीटा माइनस 10। इस इक्वेशन में सब कुछ पता है, हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाकी सारी चीजें पता थी। तो ये कैलोरीमेट्री वाले सवाल में या हाँ ये कॉपर वेसल वाले, इसको कैलोरीमीटर भी कहते हैं, दिस कॉपर वेसल इज आल्सो कॉल्ड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर वो डिब्बा जिसके अंदर हम लोग कैलोरीमेट्री वाली मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट किसके अंदर किया कॉपर वेसल, तो कैलोरीमीटर। कॉपर का क्यों बनाया, कॉपर अच्छा कंडक्टर है, स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इट्स अ गुड कंडक्टर, हीट वेस्ट नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो कॉपर वेसल जो होती है उसका वही टेम्परेचर जो उसके अंदर डाले हुए कंटेंट का। तो हमारे पास दो हॉट बॉडीज में कॉपर वेसल और वाटर, तो कॉपर वेसल एंड हॉट वाटर, हॉट बॉडी दोनों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लिया, मास सी टी, टी टेम्परेचर इसका वही जो इसका है, और इधर कोल्ड वाटर का लिख लिया। फिर हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, मतलब हीट लॉस बाय कॉपर प्लस हीट लॉस बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा लगा दी, सबका रख दिया, फाइनल टेम्परेचर कितना मान लिया थीटा, इसका टेम्परेचर गिर के थीटा, इसका भी गिर के थीटा, इसका बढ़कर थीटा, तो इस तरफ 80 माइनस थीटा, 80 माइनस थीटा, इस तरफ थीटा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है। इस तरह से हम लोग कैलोरीमीटर की सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं, एक कॉपर वेसल का हो गया, एक रेफ्रिजरेटर हीटर वाले हो गए, मिक्सिंग ऑफ बॉडी हो गए, और एक ले लेते हैं, ये कंसाइज का अच्छा क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, तो इसमें सीधा ये क्वेश्चन ले लिया। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर is added. Find initial temperature of cold water. ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दिया सवाल में, दिया ही नहीं, ऐसे छोड़ दिया, करो अपने आप। The temperature of 600 ग्राम of cold water rises by 15 degree Celsius when 300 ग्राम of hot water is added. कुछ नहीं करना, इधर आना, जो चीजें बताई है फॉलो करिए, इधर हॉट बॉडी, इधर कोल्ड बॉडी, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी से, यहाँ पे हॉट बॉडी में हॉट वाटर, कोल्ड बॉडी में कौन है कोल्ड वाटर, तो हॉट वाटर का मास कितना दिया है हॉट वाटर 300 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं पता, टेम्परेचर कितना दिया हॉट वाटर का 15 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वाटर का मास कितना दिया 600 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं पता, वही रहेगी दोनों की सेम, इसको सी मान लें तो ये भी सी हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ वाटर है, और टेम्परेचर नहीं पता, ये तो निकालना है। फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, इंफॉर्मेशन क्या है, टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन दिस इज एडेड टू इट, व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर इज एडेड, इसका टेम्परेचर 15 बढ़ जाएगा, पर कितना है ये नहीं पता, लेट्स इट्स टेम्परेचर बी एक्स, तो फाइनल टेम्परेचर इससे कितना ज्यादा होगा, राइजेस बाय 15 डिग्री, नहीं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गैप हो गया, हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड, हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस,
हॉट वाटर का टेम्परेचर दिया है कितना 50 डिग्री। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैंने गलत दिया है। The temperature of 600 gram of cold water rises by 15 degree Celsius when 300 gram of hot water at 50 degree Celsius is added. So hot water ka mass 300 gram, specific capacity nahi pata, but temperature de rakha hai hot water ka 50. 300 gram water at 50, isme dalo. The temperature of 600 gram of cold water rises by 15. Iska temperature kya hai pata nahi, par badh kitna jayega 50. Iska temperature x maan liya. Ab yahan final temperature. Yahan par final temperature beech mein likhenge ki nahi? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा सर, इसका कितना बढ़ेगा 15, तो x plus 15, the temperature of cylinder of water rises by 15, तो मैंने बना x, तो ये हो गया x plus 15, बस हो गया। अब लगा देंगे principle of calorimetry, principle of calorimetry, heat loss by hot water is equal to heat gain by cold water, खत्म सवाल, खत्म हो गई भाई, hot water बोली, mc delta t, cold water के लिए भी mc delta t, hot water का मास लेते हैं 300 ग्राम, specific capacity को c डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर 50 से गिरता हुआ कहाँ आएगा x प्लस 15, इसका टेम्परेचर कम होता हुआ x प्लस 50 माइनस x प्लस 15, सही है x प्लस 15, और इसका मास 600, स्पेसिफिक हीट c, डेल्टा टी x से बढ़कर x प्लस 15, तो यहां से इसको माइनस कर लेंगे x प्लस 15 माइनस x, ये x x कैंसिल, सी सी दोनों तरफ कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 3 वन 3, 3 टू 6, तो 50 माइनस x माइनस 15, तो दिस विल बी 35 माइनस x, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 15, दिस विल बी 30, यहां से x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 30, x इज इक्वल्स टू 5, इनिशियल टेम्परेचर 5, उसका फाइनल टेम्परेचर 5 प्लस 15, 20, तो इस तरह से आप मेथड ऑफ मिक्सचर के सवाल कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा रह गया जो कि बहुत आता है क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, क्या हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज है, ये हीट कैपेसिटी, तो एक टॉपिक आया हमारे पास हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है, ये बड़ा सी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू छोटा सी, खत्म, हीट कैपेसिटी या इसी का नाम है थर्मल कैपेसिटी, क्या नाम है थर्मल कैपेसिटी, क्या फॉर्मूला है, एम इंटू छोटा सा सी, छोटा सी बोले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इनका मतलब क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अलग है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या डिफरेंस है दोनों, ये ग्राम वाली कहानी, ये इसमें एक्स्ट्रा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक कैपेसिटी यूनिट मास के लिए डिफाइंड है, छोटे छोटे मास के लिए, ये पूरी बॉडी के लिए डिफाइंड है। क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास 20 ग्राम वाटर है, कितना वाटर है 20 ग्राम, सो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इस पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो 1 ग्राम का टेम्परेचर वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए 4.2, तो 20 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी 4.2 इंटू 20 यानी कि 84 जूल्स, एक ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए 4.2 जूल्स, और 20 ग्राम का बढ़ाने के लिए 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 4.2, 20 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 4.2 84, ये तो मैं बता रहा हूं कैपिटल सी इज इक्वल टू एम, एम कितना था 20 और सी कितना था 4.2, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, बोला आ गया कि नहीं 84, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई द बॉडी
by the whole body to raise its temperature by 1 degree centigrade. That is the amount of heat required by the 1 gram of substance. अच्छा ये चीज जो है ना ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इंडिपेंडेंट ऑफ मास ये मास पे डिपेंड नहीं करती कैसे नहीं करती मान लो मैं सिनेरियो चेंज करूं मैं बोलूं मेरे पास 100 ग्राम वाटर है अब आप बताइए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी वही होगी कितनी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा इसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 तो 1 ग्राम का टेंपरेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 4.2 इतने के लिए कितना हो जाएगा 4.2 * 100 ये हो गया कैपिटल सी कैसे निकाला मैंने देखो m * c कितना हो गया 420 जूल्स पिछली बार ये कितना आया था कुछ और आया था 84 जूल्स इस बार कितना आ गया 420 जूल्स यानी जो बड़ा सी है ये मास पे डिपेंड करता है तो इट इज डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम इट डिपेंड्स ओनली अपॉन सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल मैं मटेरियल चेंज कर दूंगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती और हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल बट दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल ये हमें निकालना नहीं होता ये निकला हुआ है एक्सपेरिमेंट्स ने बताया हुआ है लिखा हुआ है किताबों में ये निकालते हैं अलग अलग सवाल में हर सवाल में मास अलग होगा हीट कैपेसिटी अलग रहेगी हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मास कि कितना मास है कम है कि ज्यादा है जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सी हो बड़ा वाला एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ 1 ग्राम की बात ये फिक्स है डेंसिटी जैसा जैसे डेंसिटी फिक्स होती है सब्सटेंस तो ये डिफरेंस हो गया एग्जाम पूछते हैं इनका डिफरेंस क्या है तो बता सकते हैं डेफिनेशन लिख देंगे ये डिपेंड मास पे कौन करता है कौन नहीं करता ऐसे बता कैपिटल सी का एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं वो छोटे सी से इंस्पायर्ड होगा ठीक है बहुत ऐसे हम एक फॉर्मूला पढ़े थे क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी अब एम इंटू सी क्या बन गया कैपिटल सी तो क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल सी इंटू डेल्टा टी कई क्वेश्चन में थर्मल कैपेसिटी देखे ही क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं तो आप एम इंटू सी जहां पे देखे उसको कैपिटल सी मान लेंगे सो ये कैलोरीमेट्री में पहला पार्ट था जिसमें राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर देखा हमने अभी कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ चेंज ऑफ स्टेट में लेटेंट हीट आ जाता है जो कि इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एमसी डेल्टा टी नहीं लगता अभी एमसी डेल्टा टी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन को बता सकते हैं थैंक यू बच्चों आपसे बात करनी है वो लेटेंट हीट को लेके है लेटेंट हीट लेटेंट का मतलब समथिंग विच इज हिडन जो छुपा हुआ हो तो लेटेंट जो छुपी हुई हीट हो मतलब जो हीट हमें दिखाई ना पड़े द फॉर्म ऑफ हीट दैट वी कैन नॉट सी देयर इज नो सेंस टू परसीव इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे पास वाटर है और वाटर मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस पे है इसको मैं हीट करूं तो हम देखेंगे वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना हमें क्या ऑब्जर्वेशन होगा टेम्परेचर ऑफ वाटर विल राइज ऐसा होगा तो जो हमने हीट दी उसके वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया मान लेते हैं वाटर का टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस ये जो हमने हीट सप्लाई की इससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सो दिस हीट इज विजिबल किसी फॉर्म में दिख रही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जिस हीट से टेम्परेचर बढ़े वो तो दिखाई पड़ती है इस तरह की हीट की हमने स्टडी भी कर रखी है लेक्चर 1 जो हमने आपको बताया था नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है इस तरह की हीट का फॉर्मूला क्या था एम सी डेल्टा टी क्यू हीट एम मास सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर पर ये लेटेंट हीट नहीं है लेटेंट हीट क्या है जैसे मान लीजिए हमारे पास आइस है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस आइस का टेम्परेचर है 0 अच्छा आइस को 0 पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा आइस को 0 पे मैंने हीट किया तो क्या बनेगा तो बनेगा वाटर और टेम्परेचर कितना रहेगा 0 जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इन एनी फेज चेंज आइस टू वाटर वाटर टू वाटर वेपर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो यहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है 0 तो हीट कहां गई ये हीट कहां गई ये हीट गई टू चेंज द स्टेट पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा ऐसी हीट हमें दिखाई नहीं पड़ी
हम बोलते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है तो पता चलता है हीट गई टेम्परेचर बढ़ाने में। यहां हीट से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ऐसी हीट को हम बोलते हैं कौन सी हीट? लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। तो लेटेंट हीट वहां पे इन्वॉल्व होगी जहां पे फेस चेंज हो, और ये वाली स्पेसिफिक हीट वहां पे इन्वॉल्व होगी जहां पे टेम्परेचर चेंज हो। तो जिस सवाल में भी हमसे बोले कि आइस से वाटर बन रहा, वाटर से वाटर वेपर बन रहा, कोई मेल्ट कर रहा, कोई इवेपोरेट कर रहा, वहां वहां पे क्या यूज करनी है? लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट इज द हिडन हीट विच इज यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट, जैसे यहां पे किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट, टू अनदर स्टेट, यहां पे किस स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। फिर बात आती है हीट कहां गई, तो हीट ये चली गई टू ब्रेक द बॉन्ड्स या टू वीकन द बॉन्ड्स। सॉलिड के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, हीट गई उन बॉन्ड को ढीला कर दिया, उनको कमजोर कर दिया, उनको वीक कर दिया, और वो बॉन्ड वीक होकर क्या बन गए? लिक्विड बन गए। तो ये होता है लेटेंट हीट। जब हम फेस चेंज में हीट देते हैं तो उससे टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता, सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी हीट कहां जाती है? तब हमारी हीट जाती है इन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, इन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। कैसे काइनेटिक एनर्जी? देखिए टेम्परेचर चेंज हो रहा, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। काइनेटिक एनर्जी क्या है? टेम्परेचर का मेजर। टेम्परेचर क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मेजर। किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी दी हुई हीट किसमें जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और जब भी फेस चेंज होगा तो हमारी दी हुई हीट कहां जाती है? टू चेंज द स्टेट, टू ब्रेक द बॉन्ड, टू वीकन द बॉन्ड्स। ठीक है, ये है लेटेंट हीट का कांसेप्ट। ठीक है, फिर हमारे पास एक टर्म आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये क्या है? स्पेसिफिक मतलब होता है पर यूनिट मास, मतलब जो लेटेंट हीट लगे पर यूनिट मास। एग्जांपल से समझाएं इसको। सपोज हमारे पास आइस है, हमारे पास 1 ग्राम आइस है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने हीट किया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। पर स्टेट चेंज हो गई, ये क्या बन गया? वाटर। आइस को हीट किया तो वाटर बन गया। कितना वाटर? 1 ग्राम वाटर। अब 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर बनाने में एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जितनी हीट इन्वॉल्व हो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट पर यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम पे या 1 किलोग्राम पे, यूनिट मास की बात जब करें तब बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी वैल्यू होती है 336 जूल। दैट मींस 336 जूल ऑफ हीट अगर 1 ग्राम आइस को देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना वाटर? 1 ग्राम। तो आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी हो गई? 336 जूल पर ग्राम, इतना जूल पर ग्राम। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस है मेल्टिंग का, सॉलिड से लिक्विड बनना, ये सॉलिड स्टेट और ये कौन सी स्टेट? लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड बनने को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और इसका रिवर्स फिनोमेना क्या है? लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड जम जाना, तो इसके रिवर्स फिनोमेने को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको बोलते हैं मेल्टिंग, और ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको बोलते हैं फ्यूजन।
दोनों एक ही तरह के प्रोसेस हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसी बात को उल्टे तरह से देखें कि अगर एक ग्राम वाटर जम के आइस बन जाए, वाटर से आइस कैसे बनेगा? जब आप वाटर में से हीट निकाल लोगे, वाटर में से हीट एक्सट्रैक्ट कर लो तो आइस बन जाएगा। तो एक ग्राम वाटर से कितनी हीट निकालें? 336 जूल्स। तो एक ग्राम वाटर से क्या बन जाएगा? एक ग्राम आइस। एंड टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, सारा चेंज ब्रेकिंग द बॉन्ड, वीकनिंग द बॉन्ड में है। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग भी बोल सकते थे पर नाम किताबों में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देता है, और साथ में आगे वर्ड लगा लेंगे क्या, स्पेसिफिक, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, पर बुक्स यही यूज करती हैं। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कैसी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 336 जूल्स पर ग्राम। दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ आइस रिक्वायर्स 336 जूल्स ऑफ हीट टू चेंज फ्रॉम आइस टू वॉटर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया ये? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलेगा तब भी ये लिख सकते हैं और फ्यूजन में भी ये लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसी बात को, स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ फ्यूजन को, स्पेसिफिक लेटेंट हीट को समझते हैं दूसरे स्टेट चेंज में। जैसे हमारे पास वाटर है, कितना वाटर? 1 ग्राम। टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने हीट किया। अब वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, 100 से ज्यादा पे वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप हीट करोगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा? 100। पर वाटर से क्या बन जाएगा? वाटर से बन जाएगा वाटर वेपर, है ना? 100 डिग्री पे जब पानी गर्म करो तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं। तो अब ये बन गया वाटर वेपर, कितना? 1 ग्राम। इस बार जो हमने हीट दी इससे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, मतलब ये हीट कहां गई? टू वीकन द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को कमजोर करने में। भाई वेपर्स में तो बॉन्ड बहुत कमजोर होते हैं ना, वेपर दूर दूर होते हैं, वाटर में बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो वाटर के बॉन्ड कमजोर करके ये वेपर बनाया इस हीट ने, इस हीट को भी हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। अब ये प्रोसेस कौन सा है? देखिए, जब वाटर से वाटर वेपर बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। वेपर्स बन रहे हैं, क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, या इसी को आप बॉइलिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो? बॉइलिंग। लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट? गैसियस स्टेट, इसको आप बॉइलिंग भी बोलते हो, वेपराइजेशन या बॉइलिंग। और अगर वापस जाए तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है? तो एक ग्राम वाटर से एक ग्राम वाटर वेपर बनने में जितनी हीट लग जाए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे ये हीट होती है 2268 जूल्स, यानी एक ग्राम वाटर को कितनी हीट चाहिए? 2268 जूल्स हीट चाहिए टू चेंज इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और कैसी लेटेंट हीट? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू, फॉर वाटर इज इक्वल्स टू 2268 जूल्स पर ग्राम, 2268 जूल्स पर ग्राम। तो ये हो गया लेटेंट हीट का कंसेप्ट, ठीक है ना? ठीक है ना? हीट required per unit mass, ठीक है? Heat required per unit mass, specific का मतलब heat required per unit mass। देखिए latent heat की value 336 या 2268 नहीं है, latent heat तो पूरी heat है, बात हो रही है specific latent heat की, specific per unit mass। तो specific latent heat का symbol है L, और L का formula क्या बनेगा? Heat required to change state पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास। यहां से हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू एम इंटू एल, वेयर एल इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट,
specific latent. M is mass and Q is latent heat. मतलब क्या? Q total heat और L क्या है? Per unit mass. या Q को सिर्फ heat भी बोल सकते हैं. जब भी state change हो तो आप Q के लिए formula ये वाला यूज करेंगे, Q is equals to ML. और जब भी temperature rise हो, जब भी change in temperature हो, तब Q के लिए formula यूज करेंगे MC delta T. इतनी अगर चीज आपको समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन आपका कैलोरीमेट्री का टफ नहीं होगा. ठीक है, टेम्परेचर चेंज तो MC डेल्टा T और स्टेट चेंज तो ML. आइए क्वेश्चन करते हैं, इसके न्यूमेरिकल बनाते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आईसीएससी में आया हुआ है, 2010 में आया था. फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट required to change 10 gram of ice at minus 5 degrees Celsius to water at 20 degrees Celsius. ठीक है, values थोड़ी change थी वहां, उन्होंने minus 10 से plus 10 बोला था, मैंने थोड़ी सी values change की. क्या क्या दिया हुआ है हमको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336 जूल पर ग्राम. ये क्वेश्चन है हमारे पास. हमारे पास आइस है और आइस का टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस. और फाइनली हमको बनाना क्या है? वाटर किस पे? 20 डिग्री सेल्सियस. कैसे बनेगा? देखिए, आइस को पहले हम हीट करेंगे. जब आप आइस को हीट करोगे, पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी तो स्टेट चेंज होगी नहीं माइनस फाइव पे. पहले टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या बनेगा? आइस. टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहां पे मेल्टिंग हो सकती है और हीट देंगे हम, और हीट दी, अब क्या बन गया ये? वाटर. पर टेम्परेचर सेम रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस. स्टेट चेंज ना हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा. फिर हमने और हीट किया वाटर को, और हीट किया, और हीट किया, तो टेम्परेचर बढ़ गया वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. अब टेम्परेचर बढ़ गया, कहां तक जाना है? 20 डिग्री सेल्सियस. अब बड़ा सिंपल कहानी है, यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फॉर्मूला लगेगा एम सी डेल्टा टी. यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज हो रही, फॉर्मूला लगेगा एम एल. यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा, फॉर्मूला लगेगा एम सी डेल्टा टी. ये बात बस याद रखनी है, जहां जहां टेम्परेचर चेंज हो एम सी डेल्टा टी, और जहां जहां स्टेट चेंज हो एम एल लगा दीजिए. खत्म हो गया क्वेश्चन. तीन स्टेप में हीट एब्जॉर्ब करेगा. पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा अपना टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री पे आने के लिए, फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा मेल्ट करने के लिए, फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा अपना टेम्परेचर बढ़ा के 20 पे लाने के लिए. तो हम बोल सकते हैं टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, ये वाली हीट इसको बोल दिया मैंने Q1, ये वाली हीट इसको बोल दिया Q2, और ये वाली हीट इसको बोल दिया Q3. तीनों हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. Q1 क्या है? MC डेल्टा T. यहां पे किसका मास रखेंगे? आइस का. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी किसकी? आइस की. अभी इसका स्टेट कौन सा है? आइस का है, तो हम बोलेंगे मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एंड डेल्टा टी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी ओवर हियर? 520. कितनी वैल्यू हो गई? 5. नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं डेल्टा टी, जो चेंज हो उसको रखना है. तो ये हो गया 5 प्लस. अब मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मास ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब Q3 में ध्यान दीजिए, अब ये वाटर बन चुका है, तो मास तो चाहे आप आइस का रखो चाहे वाटर का रखो, जितना आइस था उतना ही वाटर बना है, उसमें कोई डाउट नहीं. ये C अब वाटर का रखा जाएगा. व्हाट इज C? C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. किसकी रखेंगे अब? वाटर की, क्योंकि स्टेट चेंज होके अब किसमें टेम्परेचर बढ़ रहा? वाटर में बढ़ रहा.
तो मास ऑफ चाहे आइस रखो चाहे वाटर रखो, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की, क्योंकि स्टेट अप वाटर की चल रही है, एंड डेल्टा टी। इस बार डेल्टा टी कितना होगा, 0 से 20, तो 20 रख देंगे। तो मास ऑफ आइस दे रखा है 10 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी 2.1, डेल्टा टी इस प्रोसेस में 5, मास ऑफ आइस 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये रही 336 जूल्स, प्लस मास ऑफ आइस 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये रही 4.2, एंड डेल्टा टी इस बार टेम्परेचर राइज कितना है 20। इन सभी हीट को जोड़ देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ एक तरीका ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 kg ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट, कौन सी लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2260 जूल पर ग्राम। अब उन्होंने वैल्यू ऐसी दे दी तो हम ऐसे यूज करेंगे, और कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें इसको, तो हमारे पास वाटर वेपर है, कितना है 1 kg, और टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कम करते 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 कहां लाना है 20 पे, तो इस बार हीट रिलीज होगी, वाटर वेपर में से हीट निकालोगे तभी तो वाटर बनेगा, तो हमने इसको कूल किया, ठीक है। इसको हीट की जगह हम लिख सकते हैं कूल, ठीक है ना, और कूल करके हमने इसको बनाया वाटर। सबसे पहले तो वाटर वेपर्स क्या बनेगा, वाटर, टेम्परेचर कम किया या हीट इसमें से निकाल ली, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हीट निकाल ली, कितनी हीट निकाल ली, Q1। पर वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, जब भी स्टेट चेंज हो तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। फिर हमने वाटर का टेम्परेचर कम किया, अभी बन गया वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, हीट लगी Q2। दो ही स्टेप है तो हो गया, तो टोटल हीट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, और इस बार हीट क्या हुई, रिलीज, क्योंकि हम कूल कर रहे हैं। Q1 देखिए, अब ये स्टेट चेंज वाली हीट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ML, और ये टेम्परेचर वाली, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MC डेल्टा T। तो Q1 कितना हो जाएगा, मास ऑफ वेपर एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Q2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ वेपर बोलो या वाटर बोलो, उतना ही वेपर था उतना ही वाटर, पर C किसकी रखेंगे, वाटर की, क्योंकि अब स्टेट कौन सा आ रहा है, वाटर का। और डेल्टा T कितना हो जाएगा, 100 से 20, ठीक है, डेल्टा T, MC डेल्टा T और ML, जहां जहां स्टेट चेंज वहां पे ML, जहां जहां टेम्परेचर चेंज MC डेल्टा T, ठीक है। आइए वैल्यू रखते हैं, तो मास ऑफ वेपर 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2260 जूल्स पर ग्राम, मास ऑफ वाटर वेपर या वाटर 1000 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी 100 से 20 80। इसमें कभी माइनस एक्टिविटी मत रखिएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा टोटल हीट रिलीज्ड। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन इजी वाले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो जब भी टेम्परेचर चेंज हो लगा दो MC डेल्टा T, और जब भी स्टेट चेंज हो तो लगा दो ML, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिसमें मिक्सचर्स की बात हो। तो हमने आपको एक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ाया था पिछले टर्म पे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक डाला है, कैलोरीमेट्री Part 1/2, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स वाला चैनल पे जाके क्लास 10 ICSE CBSE फिजिक्स में जाके कैलोरीमेट्री Part 1/2 पहले देखें,
40 मिनट्स में मैंने स्पेसिफिक हीट को एकदम क्लियर किया है। अब मैं बात कर रहा हूं लेटेंट हीट की, यहां पे चेंज इन स्टेट की। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी मैंने समझाया था, इसको हम लोग मेथड ऑफ मिक्सचर्स बोलते हैं, मेथड ऑफ मिक्सचर्स। इसका एक ही प्रिंसिपल है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी जितनी हीट लूज करेगा, कोल्ड बॉडी उतनी गेन करेगा, प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, अगल बगल कोई हीट का लॉस ना हो। इसको मेथड ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं। ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी हीट लॉस हुई उतनी हीट गेन हुई। आपसे आईसीएससी पूछेगा ऑन विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दिस प्रिंसिपल बेस्ड, तो आप बोल दोगे इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। ये मेथड्स उठाए जाए तो जो अच्छे क्वेश्चन हैं कंसाइज से, आपकी सालिना की पब्लिकेशन की जो कंसाइज बुक आती है वहां से एक अच्छा क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए। अ पीस ऑफ आइस, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम, पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड, ठीक है। ये मैंने कंसाइज की जो दूसरी एक्सरसाइज है लेटेंट हीट वाली, उसका सेवेंथ क्वेश्चन दिया है, हैज मेल्टेड। इंफॉर्मेशन क्या दी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है और वैल्यू दिए 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो मैं जूल पर ग्राम ले रहा था, इन्होंने जूल पर केजी में दिया, केल्विन और सेल्सियस में कोई टेंशन नहीं है। जो चेंज इन टेम्परेचर होता है सेल्सियस और केल्विन का सेम, अगर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो एक केल्विन भी बढ़ता है, कोई इशू नहीं, मतलब सेम, ठीक है। और दिया है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी। इन्होंने सब कुछ केजी में दिया है, हम ग्राम में पढ़ रहे थे 4.2, तो केजी में 1000 ज्यादा, तो 4200। पूछा फाइनल टेम्परेचर बता दिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, तो कुछ नहीं यहां पे बना लीजिए, इस तरफ लिख लीजिए कोल्ड बॉडी, इधर आइए लिख लिया हॉट बॉडी, कोई मैटर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर लिखा हॉट बॉडी और ये एक टेबल बनाया, पिछले वीडियोस में भी हम यही कर रहे थे, यहां पे कोल्ड बॉडी, एक तरफ हॉट बॉडी एक तरफ कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी कौन है हमारे पास, वाटर है। कोल्ड बॉडी कौन है हमारे पास, आइस है, ठीक है। तो वाटर का मास लिख लेते हैं, आइए कितना मास दिया है वाटर का, 200 ग्राम, और टेम्परेचर कितना दिया है वाटर का, 50 डिग्री सेल्सियस। आइस का मास कितना दिया है, आइस का मास दिया है 40 ग्राम और टेम्परेचर कितना दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आइस का टेम्परेचर नहीं दिया, जिस क्वेश्चन में आइस का टेम्परेचर ना दे आप उस क्वेश्चन में आइस का टेम्परेचर खुद से मान लीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज नॉट करेक्ट, बट जहां ना दिया हो वहां पे ये लगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए है ना। तो जब नहीं दिया हो तो जीरो मान लो, तो हमने टेम्परेचर मान लिया कितना 0 डिग्री। मैं एक बार चेक कर लूं, दिया तो नहीं है, यू शुड बी श्योर। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200, नहीं इट इज नॉट, जब नहीं दिया हो तो जीरो मान लीजिए। अब बोला है कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, तो क्या होगा, क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी है व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड, सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद वाटर बनेगी और फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में होगा क्या, मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर है थीटा, ये तो पूछा है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, लेट फाइनल टेम्परेचर बी थीटा, तो वाटर का कुछ नहीं होगा, वाटर का टेम्परेचर गिरेगा और गिर के किस पे आ जाएगा, थीटा, एक स्टेप में।
ये वाटर है 50 पे है, टेम्परेचर गिरते गिरते कितना हो जाएगा थीटा, मतलब इसके लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा एम सी डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर कम करते हुए थीटा पे आ गया। आइस को प्रॉब्लम है, आइस का दो स्टेप की कहानी होगी, पहले तो आइस क्या बनेगा मेल्ट होकर वाटर, कितने टेम्परेचर पे जीरो, और फिर आइस का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, पहले मेल्ट होकर क्या बना वाटर, फिर टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता कहां पे आएगा थीटा, मतलब आइस का दो स्टेप, पहला स्टेप स्टेट चेंज, आइस है पहले स्टेट चेंज होकर क्या बना वाटर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो बोला ml, और दूसरा टेम्परेचर राइज वाला, यहां कौन सा फॉर्मूला mc डेल्टा। तो ये जो हॉट बॉडी है इसने हीट लूज की एक स्टेप में mc डेल्टा t, क्योंकि ये वाटर था सिर्फ इसका टेम्परेचर गिरा, और जो कोल्ड बॉडी है वो भी आइस है, पहले मेल्ट होके वाटर बना फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड आइस, ऐसे लिख सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड आइस। कौन सा प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हॉट वाटर हीट लॉस कर रहा है कैसे, एम सी डेल्टा टी, आइस हीट गेन कर रही है दो स्टेप में, पहले आइस मेल्ट होकर वाटर बनी फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा। क्वेश्चन यही है ना कि आइस है उसमें पानी डाला, जैसे ही पानी डालो गर्म गर्म आइस मेल्ट करेगी, हीट उसने अब्सॉर्ब करके मेल्ट किया, फिर आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब जो मेल्ट होकर वाटर बना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हीट अब्सॉर्ब किया, तो दो स्टेप में। तो अपन ने बोला यहां पे बोल ml और यहां पे mc डेल्टा t, यहां मास किसका रखेंगे जो हॉट वाटर दिया है, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की डेल्टा t वाटर का, तो वाटर का मास दे रखा है 200 ग्राम, इसको डिवाइड कर लिया 1000 से, क्यों, क्योंकि इस बार ये सब ऐसा यूनिट में दिया, देखें kg into c 4200 जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड into डेल्टा t, 50 से कहां पे गए थीटा पे गए, तो लिख लिया हमने 50 माइनस थीटा चेंज इन टेम्परेचर, 50 से थीटा इसका टेम्परेचर गिरेगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, इज इक्वल्स टू ml, इसका मास कितना है 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इसको भी चेंज कर लें kg में, क्योंकि ये भी लेटेंट हीट भी किसमें दिया है हमको kg में, ये कौन सी लेटेंट हीट होगी, फ्यूजन वाली ना, किसकी आइस की, फ्यूजन चेंज इन स्टेट दे रखी है, ये रही 336 इंटू 10^3 जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी, नहीं हो गया ये तो हो गया ml, ये वाला टर्म ml m into l, ये किस लिए हुआ, जब आइस मेल्ट होकर वाटर बना, अब इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और दोनों कहां पहुंच जाएंगे थीटा, हॉट बॉडी हीट लूज करता है कूल बॉडी गेन, और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है बराबर, वहां पे आके हीट का ट्रांसफर बंद हो जाता है, ठीक है। तो m मास इसी आइस का रखेंगे, कितना मास है 40 डिवाइड बाई 1000 इंटू c, c मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये स्टेट कौन सी चल रही है, स्टेट चल रही है वाटर, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी किसकी वाटर की, तो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी जीरो से कहां पे गए थीटा, मतलब थीटा माइनस जीरो, थीटा माइनस जीरो। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, इट लुक्स सो बिग बट इट्स सो सिंपल, सब तो पता है इसमें सिवाय थीटा के, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वही फाइनल आंसर होगा। सो ये तरीका होता है टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, ये मेथड ऑफ मिक्सचर, हॉट बॉडी ने हीट लॉस की, कोल्ड बॉडी ने गेन की, कब तक हीट का ट्रांसफर होगा, जब तक फाइनल टेम्परेचर ना आ जाए, एक टेम्परेचर पे आके दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर, वाटर हीट लूज करेगा एक ही स्टेप में क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर कम होगा, आइस दो स्टेप में, पहले मेल्ट कर कर वाटर बना फिर वाटर का टेम्परेचर बना। हमें कैसे पता चला कि आइस पूरी मेल्ट कर जाएगी, दिया है सवाल में, व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड, अगर नहीं लिखा हुआ ऑल आइस इज मेल्टेड तो नहीं मानेंगे, अपने आप नहीं मानेंगे ऑल आइस इज मेल्टेड, लिखा हुआ था इसलिए मान लिया। तो इस तरह से आप मेथड ऑफ मिक्सचर्स के या फाइनल टेम्परेचर बी थीटा, अगर वीडियोस नहीं देखे तो पहले वीडियोस फर्स्ट और सेकंड पार्ट के चैनल पे जाकर, फिजिक्स वाला पे, कैलोरीमेट्री या हीट में जाकर पार्ट वन इन 40 मिनट्स और लेटेंट हीट देखें। चलिए बात करते हैं फाइनल टेम्परेचर थीटा, ओके।
सो कैलोरीमेट्री में क्या करते हैं हम, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। तो यहां पे हॉट बॉडी कौन है, हॉट बॉडी कौन है, हॉट बॉडी है वाटर, और यहां पे कोल्ड बॉडी कौन है, कोल्ड बॉडी है कौन है रे, कोल्ड बॉडी कौन है, आइस। तो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का टेम्परेचर गिरेगा, है ना। ये रहा वाटर, वाटर का टेम्परेचर कितना दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, गिरते 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 वाटर कहां पे आएगा, जीरो पे आएगा, पता नहीं, मान लेते हैं थीटा पे आया, हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया वाटर थीटा पे आया। आइस की बात करते हैं, आइस किस पे दे रखा, माइनस 10 पे, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा और आइस कहां पे आएगा, जीरो डिग्री सेल्सियस, जीरो पे आइस मेल्ट करेगी और आइस से क्या बन जाएगी, वाटर, मेल्टिंग हो गई किस पे, जीरो पे, और फिर इसका टेम्परेचर राइज करेगा और यह भी कहां पहुंचेगा, थीटा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। ये आइस है, आइस पहले हीट लेगी जीरो तक आने के लिए, फिर हीट लेगी मेल्ट होने के लिए, फिर हीट लेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मतलब यहां पे जो हीट है टेम्परेचर चेंज वाली वो है एम सी डेल्टा टी, यहां पे जो हीट है स्टेट चेंज वाली एम एल, और यहां पे जो हीट है फिर से टेम्परेचर चेंज एम सी डेल्टा टी। वाटर का टेम्परेचर सिर्फ कम हो रहा है, टेम्परेचर चेंज में जो हीट होती है एम सी डेल्टा टी। जब भी टेम्परेचर चेंज हो तो हीट का फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, और जब भी स्टेट चेंज हो तो हीट का फॉर्मूला एम। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, यहां वैल्यूज रखते हैं, मास ऑफ वाटर 10, स्पेसिफिक हीट किसकी रखें यहां पे, वाटर की 4.2, डेल्टा टी 10 से आ रहा है थीटा, तो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब आइस तीन स्टेप में, पहले आइस माइनस 10 से जीरो आया, तो पहले इसको लिखता हूं मैं एम 10, स्पेसिफिक हीट किसकी रखूं, अभी आइस का टेम्परेचर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आइस की रखनी है कितनी 2.1, टेम्परेचर कितना बढ़ा 10, तो डेल्टा टी की वैल्यू 10, 10 से 0 10, बहुत बढ़िया। प्लस ये आइस चेंज हुई वाटर में, तो मास ऑफ आइस 10, लेटेंट हीट 336 प्लस। अब ये क्या बन गया, ये आइस क्या बन गया, वाटर। अब इस वाटर का टेम्परेचर जीरो से कहां पहुंचेगा, थीटा, वो वाटर कहां तक आया 10 से थीटा, और ये आइस बहुत दूर से आ रहा माइनस 10 से 0, 0 पे मेल्ट और फिर टेम्परेचर बढ़ाया। अब ये वाटर बन गया है, तो यहां पे स्पेसिफिक हीट किसकी, वाटर की, कितना वाटर बना 10 ग्राम, भाई 10 ग्राम आइस थी उससे कितना वाटर बनेगा 10 ग्राम, 10 किसकी, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2, टेम्परेचर कितना बढ़ा 0 से थीटा, 0 से थीटा मतलब थीटा माइनस 0, तो थीटा हो जाएगा, 0 से थीटा जा रहे हैं तो थीटा माइनस 0, बहुत बढ़िया, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, खत्म क्वेश्चन, इजी, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, खत्म क्वेश्चन, हां बिल्कुल, देखते हैं ये कितना जाएगा 42, ये 10 माइनस थीटा, ये कितना हो गया 42, यहां पॉइंट हटेगा 10 आएगा कैंसिल, थीटा प्लस ये कितना हो गया 3360, ये कितना हो गया 2.1, ये 21 210, बहुत बढ़िया। तो ये 420 माइनस 42 थीटा इज इक्वल्स टू 42 थीटा प्लस 3360 प्लस 210, ये 42 थीटा इधर गया और ये सारे टर्म्स इधर आए, 420 माइनस 3360 माइनस 210 इज इक्वल्स टू 84 थीटा, क्या हो गया, ये टर्म तो नेगेटिव है, 420 में से 3360 माइनस किया 210, अरे ये टर्म नेगेटिव है, 420 में से इतना बड़ा टर्म माइनस किया मतलब 84 थीटा नेगेटिव, मतलब थीटा की जो भी वैल्यू आने वाली है वो कैसी आने वाली है, नेगेटिव, भाई ये पूरा टर्म नेगेटिव, 84 से डिवाइड करोगे थीटा कैसा, नेगेटिव, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर जीरो के नीचे, इसका मतलब वाटर आकर फ्रीज कर गया, नहीं ये तो नहीं हो सकता ना कि वाटर आया आइस से मिला और आइस ने उसको फ्रीज भी करा दिया, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, मतलब कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। कैलोरीमेट्रिक क्वेश्चन में अगर ऐसा करते करते कभी थीटा या फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव आ जाए तो दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, गड़बड़ है यहां पे आपकी सोच में, आपने सोचा कि आइस का टेम्परेचर बढ़ा माइनस 10 से 0, बहुत बढ़िया, आइस पूरी पूरी मेल्ट हुई जीरो पे, बाबा, और आइस का टेम्परेचर फिर बढ़ा थीटा तक, और वाटर ने क्या किया, सिर्फ अपना टेम्परेचर एक बार कम किया, क्यों भाई, वाटर सिर्फ इतनी सी हीट दे रहा है, सिर्फ इतनी सी, और इतनी हीट से पूरी आइस ने इतना काम कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये अप्रोच गलत हो गई। तो जब भी टेम्परेचर नेगेटिव आए समझना है कि अप्रोच गलत, मैंने पहले गलत करके आपको समझाया, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं, अगर ट्रिक लगाने लगे शुरू में ही तो फिर बात करें, मतलब ये गलत हुआ अब सही कैसे करें। चलिए देखते हैं कि अगर वाटर जीरो तक आ ही गया किसी तरह से,
तो कितनी मैक्सिमम हीट देगा, है ना? लेट अस कैलकुलेट मैक्सिमम हीट रिलीज्ड बाय वाटर, कितनी होगी? एम सी डेल्टा टी, कहां तक ले आया वाटर को? जीरो. तो 10 इंटू 4.2 इंटू 10 से कहां पहुंचे? जीरो. तो 10 कितनी हो गई? 420 जूल्स. वाटर मैक्सिमम हीट कितनी दे सकता है? 420 जूल्स. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, आइस को -10 से 0 तक आने में कितनी हीट चाहिए? हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू रीच 0. निकाल लें आइस -10 से 0, फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, मास किसका? आइस का. स्पेसिफिक हीट आइस की और -10 से 0, तो 10 कितना हो गया? 210 जूल्स. वाटर 0 तक आया, कितनी हीट दिया? 420. आइस भी 0 तक पहुंचा, कितनी हीट ले लिया? 210. बहुत बढ़िया, समझ में आई बात यहां तक की? बहुत बढ़िया. मतलब इसका मतलब हुआ कि हमने ये सिचुएशन मानी कि वाटर 10 से कहां पहुंचा? 0 पे. और आइस -10 से कहां पहुंची? 0 पे. इसने इस प्रोसेस में कितनी हीट दी? 420. और इसने यहां तक कितनी हीट ले ली? 210. अभी कितनी हीट बची है? हीट रिमेनिंग. भाई वाटर 0 तक आते आते कितनी हीट दे चुका है? 420. आइस ने कितनी ली? 210. तो हीट रिमेनिंग 420 -210, दैट इज 210 जूल्स. इतनी हीट बची हुई है. बहुत बढ़िया, इतनी हीट बची हुई है. ठीक है, वाटर पहुंचा 0 पे, आइस पहुंचा 0 पे, वाटर ने हीट दी 420, आइस ने हीट ले ली 210, हीट रिमेनिंग कितनी? 210. अब मान लेते हैं ये आइस मेल्ट. इफ ऑल आइस मेल्ट्स देन हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी? एम एल, 10 इंटू एल, व्हाट इज एल? 3360 जूल्स. सारी आइस को मेल्ट होने के लिए इतनी हीट चाहिए, हीट बची कितनी है? 210. मतलब हमने गलत सोचा था, सारी आइस मेल्ट नहीं होगी, सारी आइस मेल्ट नहीं होगी. सो सबसे पहली बात, ऑल आइस विल नॉट मेल्ट. तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आइस हो, दूसरी हॉट बॉडी हो और रिजल्ट पूछे, रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग, तो पहले ये चेक करो कि सारी आइस मेल्ट होगी कि नहीं. कोई दिक्कत नहीं, अपने आप एजम्पशन मानो, टेम्परेचर नेगेटिव आ जाएगा, पता चल जाएगा. ऑल आइस विल नॉट मेल्ट. तो कितनी आइस मेल्ट होगी, कैसे पता लगाएं? लेट x ग्राम आइस मेल्ट. कितनी हीट बची है हमारे पास? 210. इससे जितनी आइस मेल्ट करा सकते हो, करा लो. तो आइस की हीट मेल्टिंग इक्वेशन q इज इक्वल्स टू ml. q कितना बचा है? 210. मास कितना आइस का मेल्ट हुआ पता नहीं, लेट इट बी x. और l की वैल्यू 336. सो x इज इक्वल्स टू 210 डिवाइड बाई 336. अब मुझे इसका आंसर याद है, 0.625 ग्राम. एग्जैक्टली 0.625 ग्राम. इतनी आइस मेल्ट होगी. आइस -10 से कहां आई? 0. वाटर 10 से कहां गया? 0. वाटर 10 से 0 जाते आते कितनी हीट दे गया? 420. आइस -10 से 0 आते आते कितनी हीट ले गया? 210. अभी कितनी हीट बची है? 210. क्या इतनी हीट से पूरी आइस मेल्ट हो सकती है? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑल आइस ml 3360. और हीट बची कितनी है? 210. सारी आइस मेल्ट नहीं होगी. तो हमने कहा ऑल आइस विल नॉट मेल्ट, लेट x ग्राम आइस मेल्ट. किस हीट से आइस मेल्ट होगी? 210. तो हमने कहा q is equals to ml. 210 कितनी मेल्ट हुई? x into 336. x is equals to फाइनल टेम्परेचर साफ साफ दिख रहा है, क्या है? 0 डिग्री. सारी आइस मेल्ट नहीं हुई. जिस भी क्वेश्चन में सारी आइस मेल्ट नहीं होती, अगर आइस बची है तो टेम्परेचर 0.